हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HT स्मार्ट स्टडी में। और भी बात करेंगे जो आपका 18 नवंबर 2018 को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी जो हिंदी के आंसर की वो आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और आपको कुछ ही टाइम में जो है पूरे पेपर की जो है आंसर की जो है कुछ ही देर बाद जो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का बटन नीचे दबा के सब्सक्राइब करके रखें, सामने बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबा जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं 79 का प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सदन, निकेतन, भुवन ये सब है, और जो नीले है ये नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो पूत के साथ यहाँ लगता है कपूत, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ए, जो कि क है, कपूत हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो आंखें चार होने का मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे को देखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे को देखना राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है BSC का, जी BSC, हाँ जी BSC, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है, तो कृतवाच्य में इसको लिखेंगे तो ये होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरला ने फल खाया। देखिए ऊपर है ए में है, सरला ने फल खाया ये भी नहीं है, सरला फल खाती है, सरला फल खाती ये भी नहीं होगा, सरला ने फल खाया, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 83 का देखिए, विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास यह कौन सी संधि, यहाँ पे संधि पूछी है, तो विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास होगा, ये होगी हमारी दीर्घ संधि, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 84 का, जहाँ ऐप प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होगा अन्योक्ति अलंकार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए अन्योक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही वर्तनी होगी यहाँ पे निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे निरीश्वरवादी, आप यहाँ चेक कर लें आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 वाला, 86 का लगाइए, जी 86, यहाँ पे सम्मिलित करना है। ये जो क्वेश्चन है ये जो हर बार इसी तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, चाहे वो आपका 10 का हो, 11 का हो या फिर 17 नवंबर का, ठीक है। तो इसका जो आंसर का जैसे कि 78 से 78 मिल गया, 47 से 47 और 19 से यहाँ पे 59 से हो गया और 32 से आपका 32 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बनता है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है धोती शब्द का बहुवचन, तो धोती शब्द का बहुवचन हो जाएगा धोतियाँ। उसके बाद नेक्स्ट है, दस है आनंद जिसके, दस आनंद यानी कि रावण, यह कौन सा समास है, तो यह हो जाएगा बहुवीरी समास, ठीक है। दस है आनंद जिसके, बहुवीरी समास है। इसके बाद नेक्स्ट है, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े पद का परिचय दीजिए, तो कपड़े धोता है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो यहीं से देख लीजिए आप, ठीक है। जातिवाचक और किसी में नहीं है, तो यहीं से देख लिया आप, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन है, कर्म कारक धोता है और क्यों क्रिया का कर्म है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 का, लास्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का, शोक किस रस का जो स्थाई भाव, तो यह करुण रस का, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको आपको वीडियो मिल जाएगी पूरे पेपर की जो आंसर की कुछ ही टाइम बाद जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मैंने बताया भी था, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सामने बेल आइकन उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी वो जरूर दबाएँ। तो मिलते हैं फ्रेंड उसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।